गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल, आदाब, नमस्ते, जय माता दी। और सबसे पहली चीज, आज मुझे बहुत खुशी हो रही है ये आप सब लोगों को बताते हुए कि लास्ट टाइम 21 फेब 2019 को जब सीएस फाउंडेशन का रिजल्ट आया था, तो ऑल ओवर इंडिया से बहुत सारे स्टूडेंट्स हमारे पास आए थे स्कॉलरशिप स्कीम अवेल करने के लिए। और उसमें से बहुत सारे बच्चों ने हमारी वर्चुअल क्लासेस ली और बहुत सारे बच्चे हमारी फेस टू फेस क्लासेस में भी दिल्ली में पढ़ रहे हैं। एंड वी आर वेरी वेरी हैप्पी टू अनाउंस कि इस बार भी हम वैसा सही कुछ स्कॉलरशिप फिर से अनाउंस करने जा रहे हैं विद द ब्लेसिंग्स ऑफ सरस्वती माता। एंड विल आई से उसकी अनाउंसमेंट, प्रॉपर अनाउंसमेंट विल बी कमिंग अप वेरी सून, लेकिन आप लोगों के साथ अब हम शेयर करना चाहते हैं विल फॉर द बेनिफिट ऑफ द स्टूडेंट्स ऑल ओवर इंडिया कि जो स्टूडेंट्स हमारे साथ विल आजकल फेस टू फेस क्लासेस में पढ़ रहे हैं उनको कैसा एक्सपीरियंस हो रहा है हमारे साथ। तो विल आई रियली वॉन्ट कि आप भी उनके एक्सपीरियंस से बेनिफिट लें एंड दे कैन इवन गाइड यू फॉर द फ्यूचर ऑल्सो एट द सेम टाइम। सो विल गेटिंग स्टार्टेड विद दैट, और मैं कहूंगा अब उस कड़ी में दे विल लाइक टू शेयर वन बाय वन विद यू विल कि उनका एक्सपीरियंस हमारे साथ कैसा है फेस टू फेस क्लासेस में, फ्यूचर की तैयारियां कैसी हो रही हैं, प्रोफेशनल लाइफ की तैयारियां कैसी हो रही हैं, और एक स्ट्रांग फ्यूचर बनाने के लिए ताकि अच्छी से अच्छी लॉ फर्म में, अच्छी से अच्छी कॉरपोरेट एंटिटी में उनको ट्रेनिंग मिले और एट द सेम टाइम करियर जॉब वाइज, प्रैक्टिस वाइज जो है वो उसकी तैयारियां, उसकी फाउंडेशन स्ट्रांग बन जाए। तो वो आपके साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए आ रहे हैं। तो विल I am presenting, I am inviting my students to you and they will share their experience with you। और आपको अपनी तरफ से कुछ लिखना है कमेंट बॉक्स में, आपकी कोई क्वेरीज हैं, आपके कोई क्वेश्चंस हैं well regarding your studies, regarding your group 1, group 2, executive program, professional program, training, job वगैरह को लेकर, anything that you want to ask, you can put that in the comment box of this video. Most welcome, I like to give you the explanation of that. और अगर आप अपने दिल से भी कुछ और चीजें आपके दिल में कोई doubts हैं जो पूछना चाहते हैं तो वो भी आप comment section में नीचे लिख सकते हो। All the best for your future. कंपनी लॉ समझ आने लगा है कि रियली वो है क्या, वो सिर्फ बुक्स में नहीं है, जो प्रैक्टिकल नॉलेज और मिलती है जैसे कि एमसीए वेबसाइट्स हैं, स्टॉक एक्सचेंज के बारे में इतना पढ़ने को मिल जाता है और रन फैसिलिटी, डिफरेंट फॉर्म्स होते हैं, उनको कैसे यूज करना है, उनकी वैल्यू क्या है, और अगर वो फाइल नहीं करोगे तो तुम्हारे फ्यूचर में तुम्हारे साथ वो क्या होगा, वो सब पता रहता है। ऑल इन ऑल फाउंडेशन लेवल पे जितना हार्डवर्क नहीं था वो एग्जीक्यूटिव लेवल पे बढ़ गया, बट वो करने में भी अच्छा लगता है क्योंकि सब्जेक्ट्स अच्छे हैं, सब्जेक्ट समझ आ रहे हैं, नॉलेज हो रही है सब्जेक्ट्स की, सिर्फ रटोफाई नहीं करना पड़ रहा, कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो रहे हैं और वही मेन चीज है। ऑल इन ऑल इंटरप्रिटेशन स्किल्स बहुत बहुत हाई लेवल पे हो गई है, लॉ को पढ़ने की नॉलेज आ गई है, लॉ है क्या, लॉ मेकर की इंटेंशन क्या है, वो सोच के आ रहा है, मे शैल कॉमास कहाँ यूज करने हैं, कॉमा की अगर प्लेस चेंज हो गई तो इंटरप्रिटेशन पूरी चेंज हो जाती है, कम्प्लीटली चेंज हो जाती है। हम नॉर्मली पहले तक कॉमा सिर्फ कॉमा था, लेकिन अब लॉ में आके कॉमा कॉमा नहीं रहा है, बहुत ज्यादा कुछ हो गया है। किसी भी इंस्टीट्यूट में जाते हो ना, वो कहते हैं ये कर लो, ये इम्पोर्टेंट है, ये ऐसे होगा, ये ऐसे होगा, बट ये इंस्टीट्यूट मुझे फर्स्ट मिला जो कहता है प्रैक्टिकल नॉलेज भी इतनी ही इम्पोर्टेंट है जितनी आप यहाँ पे पढ़ाई में रैंक लेके आओ, बट अगर आप में नॉलेज नहीं है तो रैंक किसी काम की नहीं होती है। सो यहाँ पे जो सर हमेशा हमें प्रैक्टिकल कॉर्पोरेट वर्ल्ड की इतनी नॉलेज देते हैं, आई थिंक वो किसी इंस्टीट्यूट पे नहीं है। फाउंडेशन का हार्डवर्क तो कुछ भी नहीं था, एग्जीक्यूटिव में आके पता चला सब्जेक्ट्स बहुत हाई लेवल के हैं जो हमें पढ़ने हैं, और हम अगर जब भी मैं पढ़ती हूँ मेरे माइंड में एक चीज रहती है कि फ्यूचर में मैं अगर किसी कंपनी में जाऊंगी तो उसका फ्यूचर मेरे हाथ में है, मुझे उनकी कंपनी में जाके गुड कॉर्पोरेट गवर्नेंस जो सर हमेशा बोलते हैं। सर ने एक माइंड में ना चीज बिठाई है कि आप यहाँ पे पढ़ नहीं रहे हो, ये सोच के चलो कि आप किसी कंपनी के कंपनी सेक्रेटरी हो, तब तुम किसी भी चीज को अच्छे से पढ़ पाओगे। लॉ का तो ये है कि मतलब अगर अपन को एक बार इंटरप्रिटेशन करना आ गया, मतलब जिस तरीके से सर पढ़ाते हैं कि मतलब एक एक पॉइंट को, बाल की खाल, फिर खाल की भी खाल निकाल ली है, तो फिर मतलब
लॉ अगर एक बार अपन ने समझ लिया कि किस तरीके से पढ़ना है तो फिर आगे रिवीजन में भी कोई दिक्कत नहीं होगी, और जो प्रॉपर नोट्स होते हैं अपने पास मतलब टेबुलर फॉर्म में, तो फिर वो अगर एक बार अपन ने पूरा पेज को भी देख लिया तो पूरा समझ आ जाता है, आगे देखने में कुछ समझ में दिक्कत ऐसी कोई आती नहीं है। आराम से केवल जो टेबुलर फॉर्म है उसको देखो तो पूरा सेक्शन से एक बार में अपन कर सकते हैं, सेक्शन सब सेक्शन सब आराम से हो जाता है, कोई ऐसी कोई ऐसी प्रॉब्लम ही नहीं आती है। मैं तो बस यही कहूंगा गजरानी सर इज एन इंस्पिरेशन एंड आई वुड लव टू फॉलो फर्दर इन माई लाइफ। थैंक यू, जय माता दी। जब हम यहाँ आ गए एग्जीक्यूटिव में तो हमारा लेवल ऑफ हार्ड वर्क काफी बढ़ जाता है, और क्योंकि फाउंडेशन तक तो ये होता है कि हमें पता होता है कि एमसीक्यू पेपर है, टिक मार्क्स हैं तो हो जाएगा, बट यहाँ पे ऐसा नहीं होता। यहाँ पे हमें पता होता है कि हमें लिख के आना पेपर में, सेक्शंस लिख के आने, रूल्स लिख के आने, केस लॉस लिख के आना, सब कुछ रिमेम्बर रहना चाहिए, सब कुछ मेन चीज ये होती है कि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए।